गुड मॉर्निंग बच्चों, आज जो है हम कोई भी न्यू टॉपिक्स पढ़ने नहीं जा रहे हैं। पुराने टॉपिक्स का जो है क्रैश कोर्स मैं अब डिस्कस करने जा रही हूँ, तो जिसमें आपका चैप्टर जो 1 है संस्कृत वर्णमाला, उसी को मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। क्रैश कोर्स में बेटा देखो, हम लोग किसी भी चैप्टर्स को लेंदी नहीं करते, यानी लंबा चौड़ा नहीं करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस चैप्टर का, उसी को मैं केवल डिस्कस करने जा रही हूँ। तो देखो, वर्णमाला का अर्थ है वर्णों का समूह, अर्थात अक्षर। जैसे अ आ छोटी ई बड़ी ई, क ख ग घ, ये सब जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ण या अक्षर। अब कहता है क्या कि वर्ण जो है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। वर्ण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले वर्ण जो होता है वो किसी भी भाषा का सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम लोग बांट नहीं सकते या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अब कहता है क्या कि वर्ण के कितने भेद हैं। तो वर्ण को बेटा दो भाग में बांटा गया है। जो पहला है हमारा स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब है स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण जो है कहता है क्या, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में हमको किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़े वो स्वर वर्ण कहलाएगा। जैसे अ आ छोटी ई बड़ी ई, छोटा उ बड़ा उ, री री ए ऐ ओ औ। अब कहता है क्या कि स्वर वर्ण को भी हम लोग इस प्रकार से बांट सकते हैं, यानी स्वर वर्ण को भी तीन भाग में बांटा गया। जो नीचे दिया गया है स्वर वर्ण, और उसके नीचे फिर एरो मार के दिखाया गया है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। तो इतना सारा चीज़ बोर्ड पे डिस्कस कर दिया गया है, और बाकी की चीज़ें हम लोग फिर कॉपी से डिस्कस करेंगे। अब देखो, ह्रस्व दीर्घ और संयुक्त के लिए क्या है कि एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, अ ई री और री, री एवं री। दीर्घ के लिए आ बड़ी ई बड़ा उ और री, और संयुक्त के लिए ए ऐ ओ औ। वैसे प्लुत भी होता है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत यहाँ पे संयुक्त है, तो वो भी संयुक्त स्वर भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों चीज़ पढ़ सकते हैं। अब देखो, तो अब हम लोग संस्कृत में 11 स्वर को ही मानते हैं। अब जो है बेटा, संस्कृत में क्या हो गया है कि 11 स्वर ही हो गए हैं, री और ऋ को स्वर के अंतर्गत नहीं मानते। उसके बाद हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये 33 हैं। देखो बेटा, साधारण भाषा में समझो कि व्यंजन ऐसा वर्ण है जिसको बोलने के लिए हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यानी बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाने वाला शब्द क्या कहलाएगा, व्यंजन। अब देखो व्यंजन में क्या सब है, क वर्ग, क वर्ग यानी क ख ग घ, इतना सारे अक्षरों का एक ही वर्ग दे दिया गया है, जिसका नाम क यानी वर्ग के प्रथम अक्षर के नाम पे इस सारे अक्षरों के लिए एक वर्ग का नाम दिया गया है। तो क वर्ग, च वर्ग देख ही रहे आप लोग, ट वर्ग ट ठ ड ढ अर, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, उसके बाद य र ल व ताल विषम मूर्धन ष दंत स ह, ये भी व्यंजन वर्ण ही कहलाता है। अब देखो बेटा, व्यंजन को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, क वर्ग से प वर्ग तक, यानी क वर्ग से लेके प वर्ग तक, यहाँ तक क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, इस चार अक्षरों को य र ल व अंतस्थ व्यंजन, और उष्म व्यंजन तालब स मूर्धन स दंत स ह, ये जो है उष्म व्यंजन कहलाता है। उसके बाद है देखो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसमें भी हमने कर दिया है। प्रत्येक व्यंजन स्वर रहित होता है, इसलिए उसके नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। बेटा जब भी हम हलंत लगाते हैं तो व्यंजन वर्ण में ही लगाते हैं, यानी जब हलंत लग जाता है किसी व्यंजन वर्ण में तो इसका मतलब है कि उसमें स्वर मिक्स नहीं है, वो इनकम्प्लीट है।
जैसे हम लोग स्वर उसमें मिक्स कर देंगे तो हलंत लोप हो जाएगा। जब किसी व्यंजन में स्वर प्रयुक्त होता है तो हलंत का लोप हो जाता है। देखो लिखा ही हुआ है, किसी व्यंजन में जब स्वर आ जाता है या स्वर मिक्स हो जाता है, प्रयुक्त हो जाता है, तो हलंत का हो जाता है, लोप हो जाता है। अब है अयोगवा, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अनुस्वार के लिए देखो कैसा सिंबल है और विसर्ग के लिए देखो, इस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, अयोगवा। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। अब हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। कहता है क्या, जो व्यंजन दो व्यंजनों को जोड़ कर बनाए जाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन। तो उसके बाद है जैसे अक्ष क स प्लस अ, और भी दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बन गया, अक्ष। ज्ञों के लिए ज प्लस य, त्र के लिए त प्लस र। नीचे देखो डॉट के जैसे है, ये हलंत है। द्य द प्लस य, प्र प प्लस र। इस तरीके से ये सब क्या है, दो अक्षर मिल करके तीसरे अक्षर का निर्माण किया है। तो क्या बन गया, ये संयुक्त व्यंजन। अब है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ण संयोजन। स्वर एवं व्यंजन वर्णों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिल करके किसी अक्षर का निर्माण करता है, संयोजन उसको कहते हैं, यानी वर्णों का मिलना। अब है वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास कहता है किसी भी शब्द में प्रयुक्त स्वर एवं व्यंजन को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे सरिता स प्लस अ, र प्लस ई प्लस त प्लस आ। तो जब हम वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसको हम वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहते हैं। तो ये आपका चैप्टर वन का जो है क्रैश कोर्स हो गया। इसी तरीके से फिर हम लोग चैप्टर टू का भी पढ़ेंगे, और आपका जिन लोगों का छूट गया है वो लोग यहाँ से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।